हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852 -। तो हमें क्या बोला है, हमें चेक करने के बोला है कि -150 इस AP की कोई टर्म है या नहीं। तो पहले हम AP लिख लेते हैं। नहीं, AP हमें क्या गिवन है, AP दे रखी है 11852 और डैश, और हमें क्या बताना है कि -150 इसकी टर्म है या नहीं। तो हम पहले मार्किंग करेंगे, हो जाएगा A1, A2, A3 और A4, चार टर्म्स हमारे पास हैं। अब हम क्या करेंगे, AN फॉर्मूला लगाएंगे। AN इज इक्वल टू A+N-1 और D। तो यहाँ पे हमें नंबर क्या दे रखा है जिसे हमें चेक करना है, -150, तो यहाँ AN की जगह पुट करेंगे, ये हो जाएगा -150 इज इक्वल टू A की प्लेस पे क्या है 11, ये लिखेंगे 11+N, हमें बताना है कि ये टर्म है या नहीं। तो N की जगह N ही होगा, -1 और D, डिफरेंस क्या होगा, D होता है हमारा A2 -A1। तो A2 क्या है हमारा, A2 है 8 -A1 है 11, तो 8 में से 11 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 3 और साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि -11 बढ़ा है और उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का 3। तो डी आ गया हमारा -3। अब क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालने के लिए 11 को शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा -150, ये प्लस का 11 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -11 इज इक्वल टू N-1 और -3। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 161 और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 150, साइन उसके साथ है माइनस का, तो माइनस का 161 इज इक्वल टू N-1 और माइनस का 3। -3 है, मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा -161 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू N-1। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 5 15 और डिवाइड करेंगे तो आगे ये हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं इसे। अब देखो यहाँ पर जब हमसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 53.66 और आगे 66 चलता जाता, तो हम यहाँ लिखेंगे 53.6 बार इज इक्वल टू N-1। अब ये -1 है, N की वैल्यू निकालने के लिए 1 को शिफ्ट करेंगे, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे देखो 53.66 इज इक्वल टू N प्लस का 1, ये -1 है, इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 53 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 54.66 इज इक्वल टू N। ये 54 क्यों है, क्योंकि 1 के बाद जब हम 0 लगाएंगे तो देखो 53.66 1.00, तो ये क्या हो जाएगा 6 6 4 और 54.66 -। तो हमारी N की वैल्यू क्या आ गई, N की वैल्यू आई है 54.66 और आगे 6 बढ़ता जाएगा, लेकिन हमारी कभी भी कोई भी टर्म ऐसे पॉइंट में नहीं आती है, तो मतलब इसका क्या है कि हमारी ये जो -150 है वो इस AP की टर्म नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।